हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में है, ठीक है ना। तो उन्हें क्या होता है, उन्हें लेसन प्लान बनाने होते हैं, पता है आपको, असाइनमेंट भी बनाने होते हैं। तो असाइनमेंट आपको चार बनाने होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको असाइनमेंट कॉपी दिखाने वाली हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको असाइनमेंट कॉपी एक दिखा दी है, जो आपकी टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी होती है, जो आपके चार कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो ये दिखाने वाली हूँ, ये मैं फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की असाइनमेंट कॉपी दिखाने वाली हूँ। मैं आपको ओरिजिनल कॉपी दिखा रही हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से कॉपी मिलती है एंड आपको किस तरह से उसके अंदर लिखना पड़ता है। ये आपकी असाइनमेंट कॉपी है, तो आप काफी अच्छे से बनानी है आपको, फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल प्रिपेयर करनी है, ठीक है ना। तो आपका असाइनमेंट कॉपी में लिखना क्या होता है, किस तरह से बनाना होता है, आप मेरी वीडियो को देखकर ये कॉपी नोट भी कर सकते हो जैसे इसमें लिखा है, ठीक है ना। देखिए आपका कोड हो जाएगा इसमें 102, और टॉपिक है, ये मैंने टॉपिक लिया है जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी पर शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन, ठीक है। तो आप टॉपिक ये भी रख सकते हो, तो आप ये टॉपिक भी ले सकते हो जो मैंने टॉपिक लिया है, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके आप ये चाहो तो आप बिल्कुल कॉपी कर सकते हो, ठीक है ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे। चलिए, तो फर्स्ट आप हेडिंग का डालोगे, समीपवर्ती गांवों या क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि एवं बेरोजगारी पर शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन। आपको इस तरह ही हेडिंग से जो आपके मतलब आते हैं ना मार्कर वगैरह, आप किसी से भी कुछ इस तरह से आप डालोगे। आपको असाइनमेंट काफी अच्छे बनाने हैं। अभी देखिए मैंने ज्यादा अच्छे नहीं बनाने के, लेकिन आपको काफी अच्छे बनाने हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो मार्क्स इन्हीं पर देता है, ठीक है। तो आप इस तरह से हेडिंग डालोगे एंड उसके बाद आप जनसंख्या वृद्धि के बारे में लिखोगे। जनसंख्या वृद्धि होती क्या है, आप गूगल से सर्च करके भी इसके बारे में लिख सकते हो। बस आप कोई भी टॉपिक ले ले, चाहे आप टॉपिक ये ले सकते हो एंड आप फिर गूगल से सर्च करके भी इसके बारे में लिख सकते हो। आजकल तो वैसे भी सब कुछ मिल जाता है, यूट्यूब पे मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि जो बीएड में स्टूडेंट्स होते हैं, जब फर्स्ट ईयर में आते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं रहता। जब मैं बीएड फर्स्ट ईयर में थी, मुझे पता ही नहीं चल रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा किस तरह से हमें असाइनमेंट कॉपी मिलती है, लेसन प्लान किस तरह से मिलता है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको ओरिजिनल कॉपी दिखा रही हूँ। आप जनसंख्या वृद्धि के बारे में इस तरह से थोड़ा लिख दोगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इस तरह से थोड़ा मतलब जो ये आपका लेफ्ट हैंड का पेज होता है, इसमें आपको कुछ तरह से ये आप किसी भी साइबर कैफे से जाकर इंटरनेट से निकलवा सकते हो। आपको जरूर लगाना है, क्योंकि जो आप ये चित्र लगाओगे, डायग्राम लगाओगे, काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है इससे। इससे जो आपका असाइनमेंट है वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है और एग्जामिनर ज्यादा मार्क्स देता है। तो जैसे जनसंख्या दिवस भी बना रहे हो आप, जनसंख्या के ऊपर लिख रहे हो, तो मैंने यहाँ पे 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस बनाते हैं इस तरह से लगा दिया है, ठीक है ना। फिर आप इस तरह से आप जनसंख्या के बारे में कुछ भी लिख सकते हो जो आपको पता है, अपनी थॉट भी आप लिख सकते हो जनसंख्या के बारे में एंड जनसंख्या में होता क्या है, सब कुछ आप लिख सकते हो, ठीक है ना। गूगल से सर्च करके भी आप आराम से लिख सकते हो। देखिए फिर मैंने फिर से इस यहाँ पे एक डायग्राम लगा दिया, जनसंख्या वृद्धि के कारण देश में बढ़ती गरीबी। आपको किसी भी साइबर कैफे से आप जाके आराम से निकाल सकते हो। आप गूगल पे डालोगे जनसंख्या के बारे में, तो सब इसकी इमेज निकल के आ जाएगी एंड आप कोई भी इमेज कॉपी निकला के उसकी तो लगा सकते हो आराम से। फिर देखिए हेडिंग आप ना डाला है मैंने जनसंख्या वृद्धि के कारण की, जनसंख्या वृद्धि जो होती है किस कारण होती है। मैंने देखिए एक को लगाया है, ये मैंने किशोरावस्था का लगाया है। यहाँ पे मैंने बेरोजगारी के बारे में लिखा है, जनसंख्या वृद्धि के बारे में इतना नहीं था, तो मैंने इसमें बेरोजगारी भी ऐड कर दिया था। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। हर एक कोड की जो असाइनमेंट कॉपी है मैं आपको दिखाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको एक असाइनमेंट की कॉपी दिखा रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी असाइनमेंट की कॉपी दिखा दी है, तो आप वहां जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आप चेक करोगे आपको मिल जाएगा। एंड मैंने बीएड का जो लेसन प्लान किस तरह से मिलता है एंड जो आप बायोलॉजी के लेसन प्लान बनाते हो, तो मैंने सब कुछ वीडियो बना दी है, तो आप जाकर चेक कर सकते हो, आपको एक हेल्प मिल जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप वही कॉपी करो, बट क्या होता है मैं वीडियो से डालती हूँ कि आपको एक हेल्प मिल जाएगी। फिर मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा है उच्च जनसंख्या वृद्धि दर।
फिर हेडिंग आ जाता है जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी पर शिक्षा का प्रभाव, कि जनसंख्या वृद्धि जो बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी उस पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये देखिए मैंने परिवार नियोजन का लगाया है, ये तो मैंने परिवार नियोजन भी ले लिया था। जनसंख्या वृद्धि में आता है ना टॉपिक परिवार नियोजन करने का, क्या परिवार किस तरह नियोजन करे। तो आप परिवार नियोजन के बारे में लिख सकते हो। फिर देखिए तो मैंने बेरोजगारी पर एक लगा दिया है, ये मुझे नौकरी चाहिए, और एक इस तरह से पढ़ाते हुए फिर मैंने डाला हेडिंग बेरोजगारी पर शिक्षा का प्रभाव, क्योंकि जो आपकी असाइनमेंट कॉपी होती है ना ये आपकी काफी पेज की होती है और आपको पूरी भरनी पड़ती है इसे, क्योंकि एग्जामिनर लास्ट तक देखता है तो आपको पूरी भरनी पड़ेगी इसे, तो इसलिए मैंने टॉपिक डाला है बेरोजगारी पर शिक्षा का प्रभाव। मतलब आपको ये याद रखना है आपको कॉपी पूरी भरनी है असाइनमेंट की, छोड़ना मत, एक भी पेज मत छोड़ना। फिर मैंने लगा दिया है कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के बारे में, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं चरखा बनाना टोकरिया बनाना इन सब के बारे में, कुटीर उद्योग का महत्व इस तरह से। फिर मैंने कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के बारे में लिख दिया है, क्योंकि बेरोजगारी खत्म करने में ये भी बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। एक दो लेसन प्लान की तो मैंने पीडीएफ डाल भी दी है, क्योंकि वीडियो में आपको देखने में थोड़ा लगता हो कि वीडियो काफी लंबी और देखने में लगता हो थोड़ा, तो आप पीडीएफ से देख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पीडीएफ डाल देती हूँ। मतलब वीडियो मैं इस वजह से बनाती हूँ ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए, ठीक है ना। देखिए मैंने लास्ट पेज तक भरा है इसमें, आपको याद रखना है लास्ट पेज तक आपको इस तरह से करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में जरूर बताएं।